नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में ठंडियों में एसी क्यों नहीं चलाया जाता है? क्योंकि गर्मियों में तो एसी की ज़रूरत है, लेकिन ठंडियों में एसी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी रेलवे इतना किराया में क्यों वसूल करता है? दोस्तों, गर्मियों के मौसम में ट्रेन में हमेशा एसी चलता रहता है, इसके लिए ज़्यादा रुपये लेना ठीक है। वहीं सर्दियों में एसी बंद रहता है तो इससे तो रेलवे की इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी होती है, फिर ज़्यादा किराया रेलवे क्यों वसूल करता है? तो आइए जानते हैं। भारतीय ट्रेनों में हर रोज़ करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। ट्रेन का सफ़र काफ़ी सुरक्षित भी माना जाता है। जब लोग गर्मियों में यात्रा करते हैं तो ट्रेन के एसी कोच में यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें एसी चलता रहता है, इससे गर्मी नहीं लगती। क्या एसी कोच में यात्रा करने वाले लोगों ने कभी ये सोचा है कि जब सर्दियों के मौसम में ट्रेन में एसी की ज़रूरत नहीं है तो फिर एसी कोच के लिए ज़्यादा रुपए क्यों वसूले जाते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि गर्मियों के मौसम में ट्रेन में हमेशा एसी चलता रहता है, इसके लिए ज़्यादा रुपए लेना ठीक है। वहीं सर्दियों में एसी बंद रहता है तो इसके लिए रेलवे इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, फिर ज़्यादा किराया क्यों लेता है? हालांकि इसके पीछे की वजह बड़ी ही रोचक है। आपको यह तो पता ही होगा कि ट्रेन में एसी कोच का टिकट काफ़ी महंगा होता है, यह थर्ड सेकंड और फर्स्ट एसी के लिए भी और भी ज़्यादा रहता है। हालांकि एसी कोच में काफ़ी सुविधाएं और साफ़ सफाई भी होती है। सबसे बड़ी बात, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, एसी कोच में गर्मी का एहसास भी नहीं होता है। गर्मियों के मौसम में बाहर का तापमान ज़्यादा होता है, इस वजह से कोच में तापमान को मेंटेन करने के लिए एसी लगाया जाता है। इसी तरह सर्दियों में भी बाहर का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जिसे मेंटेन करने के लिए कोच में हीटर चलाया जाता है। यानी सर्दी हो या गर्मी, एसी सिस्टम काम करता रहता है। ट्रेन में सर्दियों में एसी में लगे हीटर को चलाया जाता है और जिसे ब्लोअर चलाकर पूरे कोच में गर्म हवा से पहुंचाया जाता है। ट्रेन में लगा हीटर खास तरह का होता है, इससे आपकी स्किन रुखी नहीं होती, जबकि घर में लगे हीटर स्किन की नमी को गायब कर देते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन से जुड़ी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।